अच्छा बाबूजी, मैं ओम प्रकाश दीवाना आप लोगों का भाई अपनी पूरी टीम के द्वारा आप सबों का सादर प्रणाम करता हूं। आशीर्वाद के रूप में आप लोग अपना प्यार दुलार देते रहिएगा तथा मेरे चैनल दीवाना म्यूजिक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे नए गाने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप लोगों ने अभी तक मेरे द्वारा देश में घटित घटनाओं पर आधारित बिरहा सुना है, लेकिन आज मैं ऐसी घटना की सच्चाई गाने जा रहा हूं जो सीमा पार से आई पाकिस्तानी सीमा हैदर और भारतीय सचिन मीणा की प्रेम कहानी है, जिसकी चर्चा आज केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में हो रही है। फिर वही टीम, परिकल्पना सम्राटों के सम्राट, सोशल मीडिया सम्राट, सम्राट मुकेश यादव, मैनेजर विशाल यादव एवं बड़े भैया रिकॉर्डिस्ट धनंजय सिंह के देख रेख में यह बिरहा आप लोगों को भेज रहा हूं, जिसका शीर्षक है दुल्हन या जासूस। तो आइए बिरहा की शुरुआत करते हैं। भूमिका में इसके ऊपर कवि का भाव है, कैसे जीतन बाबू? इसके बाद है न बधता है जंजीर में, इसकी को सरहदे भी नहीं रोक पाती, इश्क धर्मों का बंधन नहीं मानता, इश्क की कोई दुनिया में होती न जाती, इश्क जाने न ऊंच नीच अमीरी गरीबी, इश्क भेदभाव में भी नहीं पड़ता धीमा, मंजिले इश्क में इश्क ले साथियों, सीमा तोड़ी इश्क में सारी सीमा, बिरहा में नया नया कौवाली लगल जैसन रुआ लोग जानी ला हम नया गावे का आदि बानी। कौनो दिल का मरीज दोस्तों की सजी हुई महफिल में अपने दिल का दर्द बता रहा है, कैसे उपेंद्र भैया? आशी कहता है अजी क्या मिला मुझको, क्या मिला मुझको मोहब्बत में बताऊं कैसे, जो मेरे दिल पे गुजरती है सुना तू कैसे,
कितना पवित्र चीज बा, कवि का भाव है। प्यार तो पाक है, पाक मतलब पवित्र, प्यार तो पाक है ना पाक बताऊं कैसे, सीमा सचिन की, सीमा सचिन की ये गीत सुनाऊं कैसे, ऐसे हम सुंदर भैया। गदर वन का भी चर्चा रहल, गदर टू आवे वाली बा ओकर चर्चा बा, लेकिन गदर वन और टू के बीच में ही गदर थ्री आ गई। बिरहा का कहानी चालू हो गई कैसे, गदर की प्रेम कहानी तो सिर्फ फिल्मी है, गदर की प्रेम कहानी तो सिर्फ फिल्मी है, सीमा सचिन की स्टोरी पूरी इल्मी है। फिल्मी और इल्मी का मतलब समझ ली, फिल्मी मतलब बनावटी और इल्मी मतलब वास्तविक, वास्तविक और अवास्तविक का चर्चा हो। दास्ता पाक के सीमा की ये हकीकत है, दास्ता पाक के सीमा की ये हकीकत है, भारत में खींच लाई साजिश या मोहब्बत है। पाकिस्तान मुल्क का शहर एक का रांची है, गुलाम है दरखास वही का निवासी है। शादी कोर्ट मैरिज जब सीमा के संग हुआ, शादी कोर्ट मैरिज जब सीमा के संग हुआ, चार बच्चों के बाद भी दोनों में जंग हुआ। सन 19 में सऊदी चला कमाने को, सन 19 में सऊदी चला कमाने को, छोड़कर बीबी बच्चा गरीबी मिटाने को। सोचा न था गरीबी इस कदर सताएगी, सोचा न था गरीबी इस कदर सताएगी, इसे भगाने में बीबी ही भाग जाएगी। बाजो तनिका बिरहा का बात समझ ली, पाकिस्तान भारत का दुश्मन मुल्क, जो बार बार भारत के ऊपर तिरछी नजर रखता है। पाकिस्तान में सिंध और सिंध का रहने वाला गुलाम हैदर, जिसकी शादी हुई थी सीमा हैदर से, 2014 में शादी कोर्ट मैरिज हुई, दोनों पति पत्नी कराची आए, पाकिस्तान की राजधानी कराची में शिफ्ट हुए। 2015 में पहला बेटा पैदा हुआ। बताया गया मीडिया के द्वारा सीमा के बताए हुए बयानों के मुताबिक पति से हमेशा अनबन रहती थी, पति सीमा को मार
भैया। सीमा के ही बयानों के मुताबिक सीमा ने ये कहा कि मेरा पति हैदर कभी कभी हमारे चेहरे पे मरीचा भी डाल दिया करता था। गुलाम हैदर सऊदी अरब चला, यहर पत्नी का करे, जहां हीरोइन बा तहां हीरो का जरूरत बा, हीरो कहां का बा। ग्रेटर नोएडा रबूपुरा में आर रोहे मीरा सची मैन फॉर्चून सांप के पबजी के शौखीन। भाड़े का रूम लेकर रहते सचिन पिता संग नेत्रपाल, अरे 2019 में भैया सचिन किया कमाल। उत्तर प्रदेश का मशहूर शहर ग्रेटर नोएडा जो दिल्ली के करीब है, ग्रेटर नोएडा में वो रबूपुरा जगह बा, वही जे सेल्समैन का काम करता रहे सचिन, किराना दुकान पर सेल्समैन ही करत मन अपने पिता नेत्रपाल के साथ किराए का रूम लेकर के। ए भैया सचिन 2019 में कमाल कवन कैले, हमरा कैसेट का गीत लगा था कैसे जीतन। अमित जे अपना मेहरारू से कहा, अरे सज के संवर के चले लू जब तू फूल हो, अरे सज के सवर के चले लू जब तू लागे लू ब्यूटी फूल हो, तुहरा आगे फेल हो जानी, तुहरा आगे फेल हो जानी, धनिया हीरोइन कूल हो। शौखीन एक दिन दुनहू का मुलाकात हो गई पबजी गेम में, तब अरे मेल भाईले बा खेल खेल में, अरे यान लाइन में पबजी मेल भाईले बा खेल खेल में ऑनलाइन में पबजी, सीमा सचिन में होई गई बा, सीमा सचिन में होई गई बा, धीरे धीरे लव जी, अरे धीरे धीरे लव। दोनों पबजी खेलत खेलत अपन अपन मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लहलन, पहुंच गई बढ़ी गई 15 से 20 दिन में बतिया, दिनवा पहाड़ भई कटे नहीं रतिया, धीरे धीरे वीडियो कॉलिंग बात भी होके लगल, व्हाट्सएप से चैटिंग होके लगल, तब से बेचैनी मैना से मैनी
सचिन में होई गईल बा, सीमा सचिन में होई गईल बा, धीरे धीरे लव हो। बातें होती रही, समय बीतता रहा, आखिर जब 2023 में दोनों का प्रेम पहुंचल बा, ए भैया दोनों प्रेमी प्रेमिका का सब्र का बांध टूटे लगल। एक दिनवा सचिन सीमा हैदर से बोला है, कहां बोला लो मास्टर, कौनो मेहरारू अपना मरद से कहे कि काहे हे दिचू की बात खातिर गुस्सा करे लो, चुम्मा दे ही ना तमे ही ना ही भूसा करे लो। मर्दा कहा था गलती के बाद सौरी सौरी होई, सौरी सौरी होई, खाली दौरी होई कि काम यौरी होई। कैलू प्यार में बेमा पाकिस्तानी लयला, मिले खातिर बेकरार हिंदुस्तानी छयला। कहता रोजे इंतजार में करतिया होई, खाली बतिया होई कि मुलाकतिया होई। पाकिस्तानी भौजी पर इंडियन भाई डोरा डाल धलस। इतना बात जब सचिन बोलले बा, सीमा कहलस मिलब, प्लान बनाने लगी इंडिया आने का। पलान में एक चीज बाधक हो, कौन बाधक हो, कोइली कोशिश नहीं निकलल नतीजा, आसीमा के मिलल न भारत के बीजा। आए बाबू 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ था, तब से पाकिस्तान का वीजा बंद है, थक गई वीजा बनवाने का प्रयास करके। एक दिन फिर फोनवा पर सीमा सचिन से सलाह करत ही, का कहे वादा कैली मिले खातिर नेपाल आई, करतानी जोगाड़ तत्काल आई। पलान बनल दोनों में, मंदिर में मिलके आरतिया होई, अरे आरतिया होई, खाली बतिया होई कि मुलाकतिया होई। आखिर वो घड़ी भी आ गई। कौन सी घड़ी, तरज बदल गई मास्टर। आए हाय मार्च 10, 2023 सुमूर दोनों खातिर आ गई। कहां खेले, अरे पाकिस्तानी प्यारी लैला, चली मिलन भारत के मजनू से। बहुत अच्छा,
अरे मनवा तरसे तनवा तरसे दोनों ओर हवस के आग एकदम लहकत हो तब मनवा तरसे तनवा तरसे निरखे अखिया निज रजनू के पशुपति नाथ भर गई मां पशुपति नाथ भर गई मांग सजनी की अपने सजनों से हिंदुस्तानी छैला जब हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लिए तब दोनों कवन गुल खिलावत हन मास्टर फिर हमार चर्चित गीत जौना के रुआ लोग बड़ा सुनतनी प्यार दुलार देतनी रील पर ट्रेंड करत है गीत कवन गीत बा मास्टर साहब कौनो बुर्बक मरा दुर्गा साहब से रिपोर्ट लिखवावत हो कहे अरे लिखी ना रिपोर्ट रावर पड़ी ले पायरिया है रहाइल हो वही काठमांडू होटल में उपेंद्र भैया तो सतरह के जूदा भैले दोनों परानी की काटे लगले काटे लगले अरे काठमांडू में चानी सात दिन बिताए काठमांडू में दोनों एक होटल में भैया हो
आखिरकार जब जाने लगी सीमा, रोने लगी, अपने बयान में बताई कि दो दिन रह गया तो मैं वीडियो बनाती थी, रोना आता था। एक बार मन किया कि मैं सचिन के साथ इंडिया चली जाऊं, खुद गर्ज हो गई थी बाहरे प्रेम। सचिन बोला नहीं, जाओ चारों बच्चों को लेकर के आओ। पूरे 3 महीना पर पुनः 10 मई को तैयारी करती है बच्चों के साथ इंडिया आने की। तब कभी जी भाव बदल दलन चली लेके बेटा बिटिया, अरे दुल्हा से मिले दुल्हिनिया, चली लेके बेटा बिटिया। फ्लाइट पकड़ी, पहली बार शारजहां से, दूसरी बार 10 को चली, 11 को दुबई गई। दुबई से फ्लाइट नेपाल के लिए पकड़ती है, तब दुबई से सीमा फ्लाइट जब धैली, 11 मई के काठमांडू में आईली, अरे पोखरा से दिल्ली के, अरे टिकट ली हली धानिया की थरा थरा का पेला बदनिया। बॉर्डर के करीब पहुंची तो भय से शरीर कांपने लगी, तो अरे पोखरा से दिल्ली के, अरे टिकट ली हली धानिया की थरा थरा का पेला बदनिया। बाकी बॉर्डर पे ना भइल परेशानिया, दुल्हा से मिले दुल्हिनिया। नेपाल से आसानी से बॉर्डर तक पहुंच गई। बॉर्डरवा पर एक बार बॉर्डर सिक्योरिटी वाले सवाल किए, कौन हो, कहां की हो, क्या नाम है। सचिन मीणा का एड्रेस बताई और बोली मैं सचिन मीणा की बीबी हूं, ये सचिन मीणा के चारों बच्चे हैं, ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं। वाह, बड़ी आसानी से बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्स वाले छोड़ दिए। जब सीमा भारत नेपाल बॉर्डर आसानी से पार कर गई, जब इंडिया में प्रवेश की है, तो ओम प्रकाश दीवाना भारत सरकार से और यूपी सरकार से एक सवाल करता है, तेरी में भाव बा कि अरे सीमा पर सीमा, सीमा लांघ गई, नहीं सुरक्षित ले सरकार ये सीमा, सही जांच होती अगर बॉर्डरों पे, पाकिस्तान सीमा वहीं रुक जाती, खुद तो खुद साथ में 4 बच्चे लिए बिना वीजा सीमा भारत में न आती। अगर जांच बढ़िया से भइल रही तो सीमा भारत में नहीं आ पाती। ठीक ऐसे ही आया होगा आरडीएक्स, तब तो हमला आतंकी हुआ पुलवामा, 40 जवान थे हताहत हुए, भारत में घर घर मचा था हंगामा। 14 फरवरी 2019 में पुलवामा हमला हुआ, 350 किलो आरडीएक्स सीमा पार से इंडिया में आता है, ठीक सीमा की तरह ही वह आरडीएक्स पाकिस्तान से भारत में आया होगा।
देश के कुछ अंधभक्त कहते हैं, जो कहते हैं सीमाएं सुरक्षित है, उनसे ओम प्रकाश दीवाना सवाल करता है। अरे कहते अंधभक्त सुरक्षित सीमाएं सभी, क्या सुरक्षित होने की यही है हकीकत? कभी पाक घुसता कभी चाइना, कभी मुल्क पे आतंकवादी मुसीबत। अब तनी देश में बाजार बाजार शहर शहर को पुलिस का निगरानी जरा सुने। धनंजय भैया जरा तवज्जो हो, हेलमेट बिन डीएल का किसी चौक से दूसरे चौक तक जा नहीं सकते हम। आंखें बिछाए पुलिस घूरती, जैसे घर से चले हैं लिए ये टम्बम। एगो चौक ले दूसरा चौक पर मोटरसाइकिल न जाए, हेलमेट नहीं खे। अगर हेलमेट भी है पुलिस वाले रोक दलो तो डीएल दिखा, अगर डीएल है तो इंश्योरेंस दिखा, इंश्योरेंस है तो पेपर दिखा, कुछ नहीं है तो जूता नहीं पहने हो चलान काटेंगे। सवाल है सुरक्षा एजेंसियों से, सवाल है पुलिस महकमा से, देश के नागरिकों पर सुरक्षा कड़ी क्यों नहीं चेक हुआ सीमा का आईडी वीजा? बन के आई है दुल्हन या जासूस है? होने वाला है क्या, देखना है नतीजा। सीमा की बॉस जब दिल्ली की तरफ चली है तब का भाव बा तरल लगे मास्टर जी तन। गीतिया बा गोरखपुर सहारिया में, तारा जाई जे छोड़ दो फरज पर अरविंद भैया तनी चढ़ के पार कैली सीमा सीमा। यमुना एक्सप्रेसवे पे फ्लायदा कट पे वह बस रुकी है, सचिन मीणा पहले से ही इंतजार कर रहा था, चार बच्चों को लेकर के जब सीमा उतरती है तो ना टाइम का भाव। अरे 13 मई रतिया के तैयारा पूरा भाई चाह मनवा झूमे लागल, सचिन जब थमले बाबा मनवा झूमे लागल। रात में जब दोबारा सीमा हैदर पाकिस्तानी और सचिन मीणा इंडियन एक हुए, लेकर के ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में पहुंचा है। जब रबुपुरा में पहुंचल रतिया तो बीतल सवेरवा का हाल कहा मास्टर, तनी भाव बदल गई। कि सब खुश बा ग्रेटर नोए खुशबा ग्रेटर नोएडा
बाबू नेत्रपाल खूब खुश हो तो अरे संग बच्चा चार दहेज लाई मुस्लिम से हिंदू बने बैठी मुस्लिम से हिंदू बन बैठी हक पत्नी का घर में पाई मुस्लिम से सीमा और सचिन की लव स्टोरी मीडिया और सोशल मीडिया पर कब वायरल भाई काहे वायरल भाई बिरहा में फिर तर्ज बदल गई कि अरे सीमा सचिन चलले शादी करे कोर्ट में कि जवन चेक नहीं भइल बा डहरिया में कि उहे चेक भइल बा कचहरिया में यही जे तो गड़बड़ हो गई कैसे अरे 30 जून के कोर्ट में भाईल बा पर्दा फांस हो आप पाकिस्तानी आईडी मिलल बा सीमा पास हो अरे खेल फेल भाईल बाटे तहरीरिया में कि उहे चेक भाईल बाटे अरे कचहरिया जब पाकिस्तानी दस्तावेज के कारण बुलंदशहर कोर्ट ने शादी अस्वीकार कर दिया तबे तो डर समा गेल सीमा और सचिन के डर के मारे कैलन का अरे 30 जून के भाया के भइले घर से फरार गइला कहवा अरे बल्लभगढ़ पहुंचे जावा नवानु हो कि भइले घर से जब नहीं मिले पुलिस छानबीन पे उतर गई तो अरे चार के धरैले गईले थाना वालु हो भइले घर से पुलिस के छानबीन में सीमा और सचिन हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार हुए और जब बल्लभगढ़ से गिरफ्तार हुए
तो भारतवासी सवाल करने लगे। जब यह खबर सोशल मीडिया में आई है कि एक पाकिस्तानी दुल्हन पकड़ी गई है इंडियन लड़के के साथ, पहपट में भाव लगा। आ रही है जासूस की, ए भैया साचो के दुल्हनी आईल भारत में, जब गिरफ्तार होती है छानबीन में क्या मिला है? अरे वीडियो कैसेट दो मिला, मिलल चार मोबाइल हो, चार जन्म प्रमाण पत्र छो, पासपोर्ट पकड़ाइल हो, अरे तीन आधार छो, वैक्सीन कार्ड निशनिया आइल भारत में, बस टिकट एक मैरिज रजिस्ट्रेशन आया इल भारत में, वीडियो कैसेट दो मिला, क्यों लाई थी, चार मोबाइल मिली, एक टूटी हुई मोबाइल मिली, चार जन्म प्रमाण पत्र मिला, छह पासपोर्ट पकड़े गए, तीन आधार कार्ड, छह वैक्सीन कार्ड, आखिर ये सब क्यों लेकर के आई थी, चार चार मोबाइल किस लिए? एक बात और सीमा ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि पैसे कम पड़ रहे थे, 12 लाख रुपया चाहिए था इंडिया आने के लिए। जिस औरत का पति दुबई कमाने गया है, वह औरत इतना पैसा कहां से लाई, उसके पास इतने पैसे कहां से आए, कभी पुलिस ने छानबीन में नहीं पूछा। तो धारा 14 120 भी तहत भैली कार्रवाई हो, आ 7 जुलाई के सीमा संग सब कर भैल रिहाई हो। सीमा के संग सचिन मीणा, सचिन मीणा के पिता नेत्रपाल और चारों बच्चों की रिहाई होती है। तो जासूस के कहानी आया इल भारत में, आ कहां से इतना रुपया ले, अरे बड़ी धनी आया इल भारत में। रोज मीडिया सीमा की स्टोरी जानने का प्रयास कर रही है, सीमा कैसे आई, कहां से आई, कहां की रहने वाली है, इसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन यह मीडिया वाले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वालों से सवाल कब करेंगे, देश के गृह मंत्री से कब सवाल करेंगे, देश के रक्षा मंत्री से कब सवाल करेंगे, देश के प्रधानमंत्री से कब सवाल करेंगे, उन नागरिकों से कब सवाल करेंगे जो कहते हैं देश की सीमाएं सुरक्षित है। तो होम मिनिस्टर पीएम सेना, अरे मीडिया करे सवाल हो, अब भारत देश के सीमा के ही कैसन भइल बहाल हो, अरे के बा कैले ऐसन चुक न दनिया आइल भारत में, आ देशवा हिलल हिलल बा, अरे राजा धानी आया आइल भारत में। जब चर्चा हुई देश दुनिया में, सीमा का ओरिजिनल पति भी सामने आ गया मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। गुलाम हैदर सऊदी अरब से संदेश भेजा था देश के प्रधानमंत्री के लिए, क्या संदेश है आल्हा लगा, हाय एक वरी आशिक एक वरी, अरे सोहर के कहनिया पंचो, अरे पाकिस्तानी भौजी
सचिन से शादी कैके हिंदू बनी गईली साहब। मोदी जी भेज दीजिए, मैं अपनी बीवी को नहीं मारता था। दूसरी तरफ सीमा करिए साहब, मैंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है काठमांडू से लेकर के यहां तक। अब मैं कभी इस्लाम में नहीं जाना चाहूंगी। अगर मैं साहब जाऊंगी पाकिस्तान तो लोग मुझे पत्थर मार मार के मार देंगे साहब। योगी जी से गुहार कर रही है, आप मेरी शादी करा दीजिए, मुझे भारत का नागरिक बना दीजिए। अच्छा सीमा, सीमा का पति हैदर का ई गुहार है। जब पाकिस्तान में सिंध के डकैत और आतंकवादियों को खबर जब मिली है तो उनका भारत के लिए चेतावनी है। पाकिस्तानी डाकू आतंकवादी रोज धमकी दे ले। पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो मुंबई का 26 ग्यारह वाला घटना दोहरा देंगे। अब तनिका भारत के तथा कथित राष्ट्रभक्तों से ओम प्रकाश दीवाना बिरहा की आखिरी लाइन में सवाल करता है, खड़ी लगन जरा भारत के धार्मिक उन्मादियों की सोच को समझेंगे, क्या सोच है। यही सीमा हैदर किसी मुस्लिम घर में आती, आग हिंदू मुस्लिम वाली देश में लग जाती। अब तक यही सीमा हैदर पाकिस्तानी अगर किसी मुसलमान के घर में आई होती तो लोग पूरे इंडिया के मुसलमानों को देशद्रोही करार कर देते, लेकिन आई है हिंदू घर में, हंस हंस के करी मैं तो ठकुराइन हो गई, मैं तो हिंदू हो गई, सचिन मीणा तो मैं सीमा मीणा बन गई। तो अरे मुसलमान देशद्रोही जैते मानी बिरवा। अब तक देश के सभी मुसलमान देशद्रोही मान लिए गए होते है। दूसरका लाइनिया में एगो बड़ी तगड़ा सवाल है, जासूस है कि प्यार में सीमा, सीमा कैली पार। यूपीएटीएस जांच करे सचिन सीमा के प्यार। अभी आज की ताजा खबर है यूपीएटीएस अर्थात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड आतंकवादी विरोधी दस्ता ने सीमा हैदर को उठा लिया। जांचें चल रही है, पूछताछ चल रही है, देश के लोगों को पता नहीं है कि सीमा कहां गई है। सवाल यह भी होता है कि केवल सीमा ही क्यों, सचिन क्यों नहीं, सचिन के बाप क्यों नहीं। तो अरे अजब प्रेम के गजब बनल कहानी बिरवा।
बहुत बहुत कहानियां जुड़ी हैं। हाल ही में उसके 5 दोस्त भी सामने आए हैं, मूसा, ओसामा, आरिफ, सयान, असलम। यह भी बताया जा रहा है कि सीमा के चाचा आर्मी में सूबेदार पोस्ट पे हैं। सीमा का भाई पाकिस्तानी सैनिक है। अगर जांच बेहतरीन हो तो कुछ न कुछ खुलासा जरूर होने वाला है। बिरहा के आखिरी में संदेश में बोध छत्रपति साहू फूले कबीरदास रविदास बाबा साहब ललई यादव संविधान बहावे आस। अरे सीमा पर सीमा सीमा लांघ गई सुरेंद्र दीवान।